नमस्कार, आज मैं बात करने वाला हूँ बिजनेस को सक्सेस दिलवाने के लिए 5 स्टेप्स जो आप खुद से कर सकते हैं अपने अपने घरों पर आराम से बैठकर इस वीडियो के माध्यम से, और वो 5 स्टेप्स किन किन दिनों पर करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, और बिजनेस की सक्सेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, वहाँ से हम पूरी वीडियो को स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सारी बातें क्लियरली और स्पष्ट रूप से समझ में आए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि 5 स्टेप्स भी काफ़ी लंबे हैं। समझ में जो जो बातें आएंगी उनको नोट्स बनाने आज आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे, बिकॉज बिना नोट्स के आपको शायद कुछ बातें रह जाएंगी समझने की। सबसे पहले बिजनेस सक्सेस का मीनिंग मेरे हिसाब से क्या रहेगा या आपको इस वीडियो में देखने को क्या मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इस बात को जानना कि मैं सक्सेस की जब बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ क्लाइंट्स, एक बात, इजी फ्लो ऑफ मनी एंड बिकमिंग अ ब्रांड। ये 3 मुख्य आयामों की हम बात कर रहे हैं, इनसे लगभग लगभग प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है। हालांकि बिजनेस में मेरा मानना है कि जो हम देवदास पढ़ते हैं तो 44 तरीके की मेजर प्रॉब्लम्स निकलती हैं, इनको बायफर्केट करते हैं तो लगभग 100 तरीके की प्रॉब्लम्स बन जाती हैं जिनको आप देवता एनर्जी फील्ड से तोलते हैं। मैं इनके ऊपर बात करूंगा, इनमें से लगभग 10 से 15 प्रॉब्लम आपको दिखाई देने लगेंगी कि कैसे नंबर ऑफ क्लाइंट्स को इंक्रीज करते हैं, कैसे इजी फ्लो ऑफ मनी को यूज करते हैं, और कैसे ब्रांड बनने के लिए हमें ये सारी चीजें काम आती हैं। तो ये 3 हो गए। बिकमिंग अ ब्रांड का मतलब ये नहीं है कि हर कोई व्यक्ति अपनी दुनिया में फेमस हो गया, टेस्ला बन गया, BMW बन गया, अंबानी बन गया, अडानी बन गया। बिकमिंग अ ब्रांड का मतलब ये है कि आप जिस देश काल परिस्थिति में हो वहां लोग आपको पहचानते हैं क्या, क्या वहां पर आपका नाम चलता है क्या। सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं, अगर आपकी कोई किराने की दुकान है, कोई जनरल स्टोर है और आप एक शहर में बैठते हो, तो क्या ग्राहक पहले आपके पास आएगा क्या कि हाँ यार वो पुराने हैं, वो फेमस है, हमें उनके पास जाना चाहिए, या बड़ी नई दुकान खुली है, बड़ी अच्छी है, इनके पास जाना चाहिए। ये बिकमिंग अ ब्रांड है। इजी फ्लो ऑफ मनी मतलब प्रोडक्शन सही टाइम पे हो रहा है, सही टाइम पे स्टॉक आउट हो रहा है, सही टाइम पे स्टॉक इन हो रहा है, और आपका हाथ में लिक्विड कैश है ताकि आप बिजनेस को अच्छा चला सको। नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने ज्यादा इंक्रीज होते हैं, कैसे इंक्रीज होते हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। 5 आयाम हैं व्यापार के, उनको लेकर ही स्टेप बाय स्टेप हम बातचीत करेंगे कैसे आपका बिजनेस बहुत फेमस, बहुत अच्छा और 100% एक्यूरेसी के आसपास पहुंच जाता है। मैं इसको आसपास इसलिए बोलता हूं क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है उसमें हमेशा स्कोप ऑफ वर्क रहता ही रहता है। तो आप 90 पे पहुंच जाएंगे, 100 पे पहुंच जाएंगे, फिर आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी, फिर आप आगे निकल जाओगे, इसलिए लगभग 100% हम मानते हैं, प्योर 100% हम नहीं मानते। तो बिना रुके मैं सबसे पहले बात करता हूं कि कैसे बिजनेस के लिए हमें काम करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको लिखना है बेसिक वास्तु। व्हाट इज बेसिक वास्तु और इससे क्या क्या होता है, कैसे आपके ब्रांड बनने में, नंबर ऑफ क्लाइंट्स में या चीजों में ये काम करता है। बेसिक वास्तु से घटित क्या होता है सबसे पहले, या बेसिक वास्तु होता क्या है, डिग्री लेकर 16 डायरेक्शंस में डिवाइड करना। कौन से डायरेक्शन पे काम करना है इसके ऊपर भी हम आएंगे, कौन सी डायरेक्शन में क्या उपाय करना है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, स्लो है ताकि आपको आराम से समझ में आए। 16 डायरेक्शन से रिलेटेड सारी चीजों को सॉल्व करना बिजनेस के अंदर, इसको बेसिक वास्तु में कहते हैं। क्या आप इससे बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हो? बहुत सारे लोग मिलते हैं कि हमने सब कुछ कर लिया लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिले, उसका कारण आज आपको इसमें समझ में आने वाला है। तो 16 डायरेक्शंस में बेसिक वास्तु फर्स्ट पॉइंट में आपको जो बात समझ में आ रही है वो है कि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगी, आउटकम्स के ऊपर बात नहीं होती। हम क्या करते हैं, या तो प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं या आउटकम्स पे। व्हाट यू वांट, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो या आउटकम्स हो, तो हम प्रॉब्लम्स की यहां पर बात करते हैं बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम्स कैसी, मान लो कि आपके पास कस्टमर फ्लो नहीं है, और मैं कस्टमर से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं, या लोग हमें जानते नहीं है जी, ग्राहक हमारे पास नहीं आता, साथ वाली दुकान से सामान लेकर चला जाता है, या पैसे का फ्लो नहीं है। उन्हीं तीनों के बारे में मैं बात करने वाला हूं बेसिक में, आपको क्या क्या करना है। कस्टमर फ्लो के लिए सबसे पहले आपको देखना है क्या एंट्रेंस इस बिजनेस की पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है मतलब N3N4, E3E4, S3S4, W3W4 है, तो एक आयाम आपका ठीक है, मतलब कस्टमर आने के चांसेस कंपैरेटिवली दूसरे व्यापारों से ज्यादा है। नहीं है, नेगेटिव है, तो जो भी चारों दिशाओं में नेगेटिव एंट्रेंस है उसको आपने ट्रीट करना होगा। इसके ऊपर बेहद वीडियोस YouTube पर मैंने डाल रखी है, आप चेक कर सकते हो, हाउ टू ट्रीट एंट्रेंस, आचार्य पंकित गोयल वीडियोस, बड़े आराम से आपके पास आ जाएगा।
तो आपने ये चेक करना है, कस्टमर फ्लो की मैं बात कर रहा हूं। सेकंड, जब भी हम कस्टमर्स की बात करते हैं तो आपको बेसिक वास्तु में देखना है नॉर्थ डायरेक्शन में क्या गड़बड़ी है, और साथ में ईस्ट को भी ले लीजिए, व्यापार के लिए दोनों डायरेक्शन होती हैं। अगर यहां पर टॉयलेट है, यहां पर किचन है, यहां पर स्टोर रूम है, यहां पर रेड कलर है, इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। टॉयलेट है तो दोनों को ट्रीट करना है, नॉर्थ में ब्लू कलर की टेप और ईस्ट में ग्रीन कलर की टेप। ज्यादा अच्छा रहेगा आप यहाँ पर स्टील की और एल्यूमिनियम की पत्ती से इसको ट्रीट कर लें, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। फिर उसके बाद यहाँ पर आती है ब्रांड मेकिंग के अंदर। आप लेयर्स देख रहे हैं, ये 5 लेयर्स नहीं है, एक्चुअल में 11 लेयर्स हैं। जब आप इसको और बायफिकेट कर लोगे, 5 लेयर्स के अंदर 11 लेयर्स बनती हैं। बिकमिंग ए ब्रांड के अंदर आती है रेमेडीज। क्या क्या रेमेडीज करनी है आपको ब्रांड बनाने के लिए, कस्टमर फ्लो को तेज करने के लिए? नॉर्थ में स्पॉटलाइट लगानी ही लगानी है, अच्छा उपाय। साथ में एक नॉर्थ में फ्लाइंग हॉर्सेस और साउथ में फ्लाइंग हॉर्स, इनका एक पेयर आपने लगा देना है नॉर्थ और साउथ में। इससे आपकी ब्रांडिंग और मजबूत होने लगेगी, चीजें अच्छी होने लगेंगी, तो आपका कस्टमर फ्लो और ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है मनी फ्लो को इंक्रीज करना, पैसों के फ्लो को इंक्रीज करना। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है साउथ ईस्ट और वेस्ट, इस डायरेक्शन में कहां पर गड़बड़ है और आप कहां पर आपकी सिटिंग है। अगर ये सिटिंग नेगेटिव डायरेक्शन में है उसको शिफ्ट कर लो, और अगर इन दोनों में कोई वास्तु दोष है उसको आपने ट्रीट करना है। आप सभी लोगों को पता है कैसे ट्रीट होता है। साउथ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट है तो रेड कलर की टेप, वेस्ट के अंदर अगर टॉयलेट है तो व्हाइट कलर की टेप को लगा देंगे, तो आपकी ट्रीटमेंट बखूबी बड़े आराम से हो जाएंगे। इन सब से क्या होने वाला है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। प्रॉब्लम का मतलब क्या है, हमने दुकान खोली थी, रोज के 1000 रुपए तो आने ही चाहिए थे, मतलब 1000 रुपए का ग्राहक आना चाहिए था, इतना जरूरी है। 500 का भी नहीं आता, तो आज आपको 500-700 तक ये चीजें लेकर चली जाएंगी, आपकी दुकान थोड़ी चलने लगेगी, थोड़ी मूवमेंट हो जाएगी। पर क्या ये 100% प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी? अभी नहीं होगी, समहाउ हो सकती है। जिनके केसेस में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है और ट्रिगर होती है, चीजें सही होगी। फैक्ट्रीज के केस में, इंडस्ट्रीज के केस में, आगे बढ़ने के केस में, बड़े व्यापार करने के केसेस में, करोड़ों रुपए का टर्नओवर केसेस में, इतने से काम उपाय नहीं करेंगे। इनको करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर 21 डेज मिनिमम। करने के बाद जब सारे हो जाएं, उसके 21 दिन तक आपको वेट करना ही करना है, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मेरे कस्टमर्स आने लगे या बेसिक हुआ या नहीं हुआ, चीजें ठीक हुई कि नहीं हुई। इसके अंदर एक और चीज को ऐड कर लो, जिसको हम कहते हैं बार चार्ट बैलेंसिंग। आप सभी को पता ही है, जिस जिसको ये काम करना है उनको नक्शे बनवाकर, ग्रेडिंग करवाकर ही काम कराना होता है। नक्शों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक नंबर डाल दूंगा, आप उनसे बात करके अपने नक्शे बनवा सकते हैं। अदरवाइज आसपास जो भी आपके आर्किटेक्ट्स हैं उनसे नक्शे बनवाकर इस पे काम किया जा सकता है। तो 21 दिन के बाद आपने क्या किया, इस पहले आयाम को, बेसिक वास्तु को किया, तो यहां से आपकी ये चीज, प्रॉब्लम्स वाला चीज थोड़ी सॉल्व होती हुई दिखाई देने लगेगी और आपका बिजनेस चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। अब हम क्या करेंगे, आपने मेरे को बोला, अगर आप मेरे ग्राहक को, जी कुछ चीजें तो सॉल्व हो गई, चीजें ठीक होने लगी, लेकिन अभी भी हमारी पहचान उस तरीके की नहीं बन रही। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, लोग मेरे को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, लोग मेरे को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते। तो क्या चीज है जो लोग आपकी तरफ लेकर आकर्षित होंगे? यहां पर हमारा सेकंड स्टेप आता है, जिसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी वास्तु। इसके अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, क्या आपका नेम, क्या आपका कॉन्टेक्ट नंबर, क्या आपकी प्राइसिंग लिस्ट, क्या आपके कलर्स, क्या आपके विजिटिंग कार्ड्स के कलर्स, क्या सारी चीजें एज पर योर नंबर्स हैं क्या? इफ यस, तभी लोगों में आपकी पहचान बनने का सिस्टम ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतरीन रहेगा, खूबसूरत रहेगा और चीजें ठीक रह सकती हैं। अकेली न्यूमरोलॉजी वास्तु कर लोगे कुछ नहीं होने, क्योंकि आपने बेसिक नहीं किया, ग्राहक आ ही नहीं रहा, तो उसको पहचान कैसे बनेगी, वर्ड ऑफ माउथ कैसे स्प्रेड होगा? कोई आपका विजिटिंग कार्ड ले और 4 लोगों को आकर जाकर दे, यार उसके पास जा, ये काम न्यूमरोलॉजी का है, लेकिन कोई आएगा ही, ये काम बेसिक का है। इस बात को अच्छे तरीके से समझना, लोग नहीं समझ पाते इसलिए उनके जीवन में समस्याएं आती हैं और छुटपुट से उपाय देखने लगते हैं, यार फटाफट ना एक काम करते हैं, देवता डाल देते हैं, दो इनसे सब कुछ ट्रिगर हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएगी। कभी नहीं होने वाला,
क्यों बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स मेरी वीडियो देखकर उस पर ऐसा लिखते हैं कि आपको ये नॉलेज नहीं, वो नॉलेज नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं पा रहे, आउटकम नहीं निकाल पा रहे जो विद्या उनके पास में है। जो भी चीजों को एक्सपीरियंस करना है उनके हिसाब से ये लेयर्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। 100% ज्ञान तो किसी चीज के पास है ही नहीं, 100% की बात नहीं कर रहा मैं, लेयर्स की बात कर रहा हूं। इतना करने से घटित क्या होगा? क्या इसमें सारा वास्तु हो गया? नहीं, कोई नहीं कह सकता सारा वास्तु, पर क्या आपको रिजल्ट्स मिले? यस। न्यूमरोलॉजी वास्तु के अंदर आपने सारी चीजों को मैच किया, कैसे करते हैं मैं इसके बारे में भी आपको ग्लिम्स दे देता हूं। मान लो आज ही की डेट लेते हैं, 5/7/2022, आज आपने कोई व्यापार खोला, तो पहले तो उस दिन पे व्यापार खोलो, उस तारीख पर व्यापार खोलो जो आपके इनिशिएटर सस्टेनर है, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन नंबर्स होते हैं। जैसे मेरा 3 और 8, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसी पे, जो आजकल एक और नया ट्रेंड चल रहा है आपका ईयर नंबर, ईयर के हिसाब से प्रेडिक्शन, इन सबको भूल जाओ, कोई काम नहीं करता। बहुत सिंपल है, 5 आज की डेट पे जो बच्चा पैदा हुआ उसका एक 5 नंबर हो गया, 12 और 9, 5 और 9, तो इस व्यक्ति का नंबर 5 और 9 हुआ। मेरी कैलकुलेशन अगर गलत हो सकती है तो आप ये देखना, एक नंबर तो ये हो गया, बाकी इन चारों को जोड़ लो, तो 5 और 9 नंबर यहां पर बनता है, 2, 2, 4, 2, 6, 12, 13 और 5। तो यहां पर हमारी सारी चीजें निकल कर आई, 9 नंबर निकल कर आया। तो ये व्यक्ति 5 और 9 को काम करता है, 5 और 9 से रिलेटेड कलर्स पे काम करता है, 5 और 9 से रिलेटेड ही अपनी विजिटिंग कार्ड बनाता है और 5 और 9 की डायरेक्शंस पर काम करता है। साथ साथ में ये व्यक्ति अपनी ग्रिड, जिसको हम लोशो ग्रिड बोलते हैं, जिसको मैं आपकी प्रकृति ग्रिड बोलता हूं, जिसको मैं डायरेक्शन ग्रिड बोलता हूं, दो तरह की ग्रिड होती हैं, इन दोनों ग्रिड्स को अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए रजस के जोन, सत्व के जोन या तमस के जोन कहां पर बैठना ज्यादा अच्छा है। अब बेसिक में तो ये बात आपको समझ में नहीं आ सकती कि कहां पर बैठना, हो सकता है नॉर्थ बहुत अच्छा है, हो सकता है साउथ, हो सकता है ईस्ट, या हो सकता है वेस्ट, आपके लिए कौन सा अच्छा है वो यहां से निकल कर आने वाला है। जिन लोगों को न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है या नहीं भी है तो कुछ वीडियोस मेरी न्यूमरोलॉजी की यूट्यूब पे पड़ी हैं, आप उनको देखकर भी नॉलेज ले सकते हो, नहीं तो बहुत ही छोटा सा 2100 रुपए का कोर्स है, वो कर भी आप इसको आराम से सीख सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, ग्राहक भी आने लग गया और उसने वर्ड ऑफ माउथ से बताना शुरू कर दिया कि हाँ यार बॉस इनमें कुछ तो दम है, आप भी जाओ, आप भी सामान लेकर आओ। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है बिजनेस को आगे बढ़ाने की। कई लोगों का तो व्यापार इसी चीज का होता है कि वो दूसरे का व्यापार चलाकर फिर उसको बेच देते हैं, या अपना व्यापार चलाकर उसको बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब लेयर्स में पता है अपने व्यापार को कैसे चलाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको इन चीजों की नॉलेज है, लेकिन उनको इस चीज की नॉलेज होती है कि कैसे व्यापार को चलाना है। तो यहां पर आप बन गए बिकम अ ब्रांड। इसका मनी फ्लो से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ कस्टमर और बिकम ए ब्रांड वाली चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर थर्ड आयाम आता है हमारा एस्ट्रो वास्तु का। एस्ट्रो वास्तु डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करती है पैसे और ग्राहक। पैसा और ग्राहक डायरेक्टली दिखाती है। कैसे आपको इसको एक्टिवेट करना है, मैंने इसके ऊपर भी बड़े आराम से वीडियोस बना रखी हैं, चेक कर लेना। पैसे और ग्राहक के लिए आपको सेकंड हाउस, सेवेंथ हाउस और इन दोनों की प्राप्तियों के लिए 11th हाउस, इनको एक्टिवेट कर लेना। कैसे एक्टिवेट करते हैं? हिट के जरिए, नहीं तो जो राशि है उस राशि की डायरेक्शन में जाने से, उस राशि सॉरी उस हाउस की डायरेक्शन में जाने से जो राशि है, जिस सेकंड हाउस में जो भी राशि लिखी हुई है उसका एनवायरनमेंट उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रिएट करने से, सेवेंथ हाउस में जो राशि लिखी हुई है वैसा एनवायरनमेंट वेस्ट में क्रिएट करने से, यहां साउथ साउथ ईस्ट में क्रिएट करने से आपको उसके रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में फिजिकली जाने से भी आपके पास प्राप्तियां होने लगती हैं। आपको एस्ट्रो वास्तु से ये बात समझ में आएगी कि मुझे पैसा कौन सी डायरेक्शन से आएगा, जिस शहर में मैं काम करता हूं या मैं डिजिटली काम करता हूं तो कौन सा शहर मुझे पैसा देगा, मुझे कौन सा शहर ग्राहक देगा और मुझे कौन सा शहर प्राप्तियां पूरी की पूरी दिलवा देगा। अगर आपको यह समझ में आ जाएगा तो अगर आप ऑनलाइन व्यापार करते हो तो आपको इन तीनों जगह पर ही जाकर अपनी मार्केट प्लेस को क्रिएट करना है, कैप्चर करना है, उसी के तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे, उसी के हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। और यहां पर क्या देना है, जो प्लैनेट्स उसमें बैठे हैं, जो हिट्स उसमें, उसी से रिलेटेड आपको सारी की सारी बातें देनी है जाकर अपने ग्राहक को, ताकि वो आपके पास इन तीनों चीजों को एक्टिवेट करने आ जाए।
ये एस्ट्रो वास्तु की ट्रिक है। तो ये आपको क्या देगी, पैसा और ग्राहक डायरेक्टली देगी। अब आप कितनी लेयर पर आ गए, पहले आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आप महीने का 1,00,000 रुपए का काम कर सकते थे जिस आपने सोच के किया, आप 70-80,000 पर बेसिक से आ गए, आपका जो प्रॉब्लम्स थी वो दूर हुई, फिर आपको ब्रांड मिला। तो 70-80,000 वाले लोगों ने क्या किया, आपके लिए रेफरेंस देने शुरू कर दिए, तो आपके पास और ग्राहक ही है। एस्ट्रो वास्तु से आपको ये ट्रिक पता लग गई, मैं इस शहर के इस कोने में जाकर अपनी मार्केटिंग करूंगा, ऐसे प्रोडक्ट बेचूंगा, इसके लिए टू बी स्पेसिफिक काम करूंगा, और आपको सारी बातें समझ में आएंगी, तभी जाकर आपका लगभग 100-110% पर काम जाएगा। 100-110% का मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति जो दुकान अपनी खोलता है वो इसलिए नहीं खोलता कि मैं तो 1,00,000 रुपए का सामान रख के बैठा हूं तो 1,00,000 का ही हो, वो ये चाहता है कि जिस दिन 1,00,000 का बिक जाए, जितने भी मेरे को प्रॉफिट आया मैं और सामान लेकर आऊं और बेचूं। तो ये और बेचने और आगे बढ़ने की जो श्रृंखला है वो एक्चुअल में आपकी थर्ड लेयर से स्टार्ट होती है। पांच लेयर, मैं जब आपको ये सब बातें बता रहा हूं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में कितनी लेयर है, कितने चक्राज हैं हमारे, 7 चक्राज में से 5 मेन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो आप अपने एटर्नल गोल्स को प्राप्त हो ही जाते हो। तो इस तीसरे चक्र पर आकर आपको अनुभूति हुई कि आप अब कुछ कर सकते हो, आपकी दुकान आपका मकान बेहद काम का हो चुका है, अब आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए भी मैंने आपको जैसे बताया पर्याप्त मात्रा में YouTube पर वीडियोस हैं, आराम से देख सकते हो। नहीं समझ में आ रहा, बहुत छोटे छोटे से कोर्सेज हैं, 4400 का ऑनलाइन, 5300 का व्यापारिक दृष्टि से होने वाला एडवांस लेवल का एस्ट्रोलॉजी कोर्स 17 जुलाई को हो रहा है, जिसके अंदर हम इस तरीके की बातें करेंगे, ना कि हीट ब्रेकिंग थ्योरी, थोड़ा बहुत उसको भी पढ़ेंगे, मेजरली वो इस वाले में है, और इस वाले के अंदर हम टू बी स्पेसिफिक पैसा कमाने से रिलेटेड सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। इन्वायरमेंट्स की बात करेंगे, कैसे हजारों वास्तु कंसल्टेंट्स होने के बावजूद भी आपका काम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलता है, कैसे आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है तो कौन से देश आपको सबसे ज्यादा पैसा देगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चीज सीखेंगे। तो थर्ड तक आप लोग पहुंच गए, थर्ड लेयर पे पहुंचने के बाद आपको ये समझ में आया कि हाँ जी, हम अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। पांचवी लेयर आती है, जो मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया था, देवता एनर्जी फील्ड्स। अब यहां कौन से देवता लगाने हैं, मैं आपको डायरेक्टली अभी बताऊंगा, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, वो भी मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं इसके अंदर, ध्यान से इस बात को सुनना। किस चीज के लिए, फिर से हम वापस आ जाते हैं बात पर हमारी, अब हमारे पास ग्राहक आता है, आप ये बात बोलना शुरू हो चुके हो, जी दुकान ठीक ठाक चलती है, रोटी पानी का जुगाड़ कर ही लेंगे, मेरे घर में जो मेरा बच्चा है वो बड़ा होके भी इस दुकान को संभालेगा, तो हम लोग ठीक हो गए अब। लेकिन क्या आप अभी उस लेवल के ब्रांड बने, जाता आता व्यक्ति आपकी दुकान पर आने लग गया, लेकिन क्या आपके मार्जिन्स, क्या आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हुई, क्या गाड़ी घर सब कुछ बनने लग गया, या अभी भी आप सिर्फ उसी लेवल पर हो जो पीछे के लेवल को सोचकर यहां तक आए थे। तो एक सर्कल हमने धरती का पूरा कर लिया है 3 आयाम में, और हमारी चीजें पूरी हो गई, अब हम फिर से जीरो पर आए, तो ये समझ में आने लगा है कि ऊंची उड़ान भरने के लिए, कस्टमर्स को लाने के लिए एक देवता रिस्पॉन्सिबल है, भूदर के साथ साथ में भल्लाट। अगर आपने ये दोनों एक्टिवेट कर लिए, कब एक्टिवेट किए, इनके बाद, इन तक हम कितने दिन तक उपाय कर चुके हैं, 45 डेज आपके निकल चुके हैं, 21 दिन का वो किया, 21 दिन का वेट किया, कुछ रिजल्ट्स आए, न्यूमरोलॉजी किया, 2 हफ्ते का वेट किया, फिर उसके बाद में न्यूमरोलॉजी के बाद हमने एस्ट्रो वास्तु के उपाय कराए, डायरेक्टली नहीं कर देने, एस्ट्रो वास्तु के उपाय कराने के बाद 45 दिन के बाद आपको समझ में आया कि हाँ यार, ये तो ग्राहक मेरा जम चुका है, इसको मजा आने लगा है, मुझे बहुत मजा आने लगा है मेरे जीवन में, अब मुझे क्या करना है, कस्टमर ओरिएंटेड अगर प्रॉब्लम है तो 45 प्रॉब्लम से 100 प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, मैं सिर्फ कस्टमर की बात कर रहा हूं, ग्राहक को लाना एक्सपोनेंशियल मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा ग्राहक को लेकर आना बल्लाट दिखाता है, ये हमने क्रिएट कर दिया। दूसरे नंबर पे हमने कर दिया विवस्वान, ये किसके लिए, प्योर ब्रांडिंग, और थर्ड नंबर पर हमने कर दिया मित्र और अनिल, इनको एक बार में कभी भी नहीं करना, भूदर और भल्लाट कब किया, 45 दिनों के बाद, इन तीनों में से किसी भी एक को चूज कर लो, अब आपको ग्राहक ज्यादा बढ़ाना है, अब आपको ब्रांडिंग ज्यादा करनी है, या अब आपको पैसे के ऊपर फोकस करना है, इन तीनों चीजों को फिर से आप लिख सकते हो, ये है ग्राहक, ये है ब्रांडिंग, और ये है पैसा, कैश फ्लो।
कई बार आपका जो क्लाइंट है वो बोलेगा कि जी कस्टमर तो बड़ा शानदार हो गया जी हमारे पास, कैश फ्लो बढ़वा दो। होता क्या है, 50 रुपए की चीनी बेचते हैं, मार्जिन 1 रुपए का है, कैश फ्लो नहीं बढ़ पा रहा, 25 लाख का टर्नओवर कर दिया, 5,000 रुपए कमाते हैं, 50,000 रुपए कमाते हैं या 1 लाख रुपए कमाते हैं, हमारा कैश फ्लो इंक्रीज कराओ जिससे मैं 1.5 करोड़ का टर्नओवर कर दूं, मैं अपनी पूंजी लगाने को तैयार हूं, मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, या मुझे कोई ऐसी आइटम मिल जाए जिसमें मार्जिन भी साथ में हो। तो आपने देखा होगा अलग अलग व्यापार वाले अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज को प्ले करते हैं, कहीं पर थोड़ा सा कम और कहीं पर थोड़ा ज्यादा मार्जिन लेते हैं ताकि उनका बैलेंस आउट होने निकल जाए। इस स्ट्रेटजी को व्यापार बनाएगा कस्टमर्स के लिए। बोलता है कस्टमर तो बहुत बढ़िया है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैश फ्लो इंक्रीज कर देते हैं। वो बोलता है जी कैश तो मैं कमाई लूंगा, ग्राहक तो आए, तो आपको यहां पर ग्राहक पर फोकस करना है। वो कह रहा है ग्राहक भी आ रहा है कस्टमर भी आ रहा है, लेकिन ना रस्ते से निकलते हैं वो जानते हैं अरे यार वो जा रहा है पता नहीं कौन है, ब्रांडिंग। अब जब ग्राहक आए जो मैं बेचूं वो उसको लेना पड़े। आप शर्त लगाकर अपने शहरों में जाकर ऐसी दुकान देख लेना, एक दुकान ऐसी होगी जिसपे आप कोई प्रोडक्ट लेने गए जो आपको चाहिए था वो भी मिलेगा, शायद आप नहीं लोगे, कहोगे ठीक है यार कोई बात नहीं छोड़ कभी और देखेंगे। दूसरा दुकानदार ऐसा होगा जो आपको बस शर्त लगाकर ये बोलेगा कि यार वो तो बेकार है, आप एक काम करो ये वाला प्रोडक्ट ले जाओ बहुत अच्छा है, और आप चुपचाप जाकर ले आओगे। क्यों? क्योंकि उसकी बात में दम था, उसके पास ब्रांडिंग थी, जी हम तो ब्रांड हैं, हमसे करोड़ों लोग लेते हैं, जो मैं बेचता हूं वो लेते हैं और मैं तो 100 रुपए महंगा देता हूं। यहां से शुरुआत होती है एक्सपोनेंशियल बिजनेस की, बहुत बड़ी ग्रोथ की। तो आपने इन तीनों में से डिसाइड करना है कि क्या लगाना है। मैं आपको अभी स्टड्स दिखाने वाला हूं स्क्रीन पर, वो स्टड्स इस तरीके से सिलेंड्रिकल स्टड्स आते हैं, उनको आपने जमीन में डाल देना है। एक सेट मतलब 3 स्टड्स को डालना होता है उस पर्टिकुलर जगह पर। इसका नक्शा भी आपको ड्राफ्टमैन कंपनी वाले बनाकर देते हैं, वो नक्शा बनवाओ, उनको उन जगह पर डाल दो, खुद से डाल सकते हो बड़े आराम से। इस प्रोसेस से नहीं डालना तो ऑयल आता है, ऑयल के रिजल्ट्स और अच्छे हैं। एकदम से बूस्टर डोज है तो ऑयल आपको हर 6 महीने में चेंज करना पड़ जाता है। ये एक जगह पर देवता एनर्जी फील्ड्स को बांध देते हैं, तो चेंज नहीं करना पड़ता लेकिन इसके रिजल्ट्स थोड़े से स्लो आते हैं। आपने ये चीज करी तो आपको अब ये बात समझ में आई कि हाँ मैं कस्टमर पे भी काम कर गया हूं, ब्रांडिंग पे भी काम कर गया हूं, और फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से इस व्यक्ति को पैसा भी कमाने लग गया हूं। अब क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अब आती है लास्ट प्रॉब्लम एंड द लास्ट लेयर। यहां पर ये 4th नंबर था हमारा, हम आगे 5th लेयर पर, जिसको हम बोलते हैं लैंड एनर्जीज या कॉस्मिक। ये दोनों भला क्या चीज हुई? एक्चुअल में फर्स्ट स्टेप भी यही है और लास्ट स्टेप भी यही है। जब आप धरती की बात करते हो, धरती और आकाश ये दोनों हैं ही, तभी ये इंसान बीच में सब कुछ कर रहा है। एक व्यक्ति ने धरती पर कब्जा कर लिया तो पूरे ब्रह्मांड में उसका नाम होने लगता है, आकाश में उसका नाम होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति सिलिकॉन वैली में बैठकर ऐसा कुछ बना रहा है जिससे पूरी धरती में उसका नाम हो गया, इसको कहते हैं धरती और आकाशीय ऊर्जा, वो इन सबसे ऊपर निकल कर आती है। क्या उस स्पेस में पावर है सारी दुनिया को संभाल लेने की? क्या आज के वक्त में ओला और उबर में ये पावर है कि एक एप्लीकेशन के अंदर सारे शहर को चला दे? क्या बड़े बड़े होटल्स व्यापारी करोड़ों रुपए लगाकर बैठते हैं और एक एप्लीकेशन वाला उनसे ज्यादा पैसे कमाता है? ये है लैंड और स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन। लैंड क्या हुई? उनके लिए वो वस्तु जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशन एज इन स्पेस क्या हुआ? वो स्पेस जिन लोगों को उन्होंने कैप्चर किया है। आपके व्यापार में लैंड एनर्जी कॉस्मिक एनर्जीज को लास्ट में या व्यापार के सेटलमेंट पे फर्स्ट डे पर सेट किया जाता है। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जिससे आपको फायदा हो, चाहे वो रेमेडीज के माध्यम से हो, चाहे वो देवताज के माध्यम से हो, या फिर लैंड एनर्जीज को बाय डिफॉल्ट बूस्ट करना। जैसा कि आपने मेरी कई वीडियोस में देखा होगा, मैं अलग अलग चीजों को डलवा कर, कभी गोमाता रखवा कर, कभी पीली सरसों का इस्तेमाल करके, कभी मरकरी का इस्तेमाल करके, कभी गोमती चक्र का इस्तेमाल करके, कभी कामाख्या सिंधूर का इस्तेमाल करके, कभी पिरामिड्स का इस्तेमाल करके, हम इन सभी चीजों को ऊपर कर देते हैं और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो इस शेल में एक व्यक्ति कंप्लीट होकर 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति करता है। इन 5 लेयर में आप जहां पर ब्रेक हुए वो गड़बड़ है। किसी व्यक्ति ने एस्ट्रो वास्तु के बाद डायरेक्ट ये कर दिया, गड़बड़। किसी व्यक्ति ने इसको सबसे पहले कर दिया, बहुत अच्छा। लास्ट में किया, बहुत अच्छा। बीच में कर दिया, गड़बड़। देवता पहले कर दिए, एस्ट्रो वास्तु नहीं किया, गड़बड़।
यू हैव टू चेक, यू हैव टू सी कि क्या कब कैसे कब कब करना है। न्यूमरोलॉजी वाला स्टेप फिर भी एक स्टेप को आप छोड़ सकते हो, रेस्ट यू हैव टू डू एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप टू गेट एक्यूरेसी, टू गेट रिजल्ट्स, और एक व्यक्ति को, एक बिजनेस को 100% सक्सेस बनाने के लिए ये सारे आयाम बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस वीडियो के नोट्स आप सभी लोगों ने बना लिए होंगे, अच्छे तरीके से इनको पढ़िए, समझिए। जिस व्यक्ति को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है उसको ये सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। खुद सीख कर भी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, बड़े आराम से इन सभी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आभार, खूब सारा प्यार।